नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हरियाणा के प्रमुख राजनीतिक दल इनेलो के महासचिव और विधायक अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल उन्हें ये धमकी अज्ञात शख्स ने वॉइस मैसेज के माध्यम से की। क्या कुछ है पूरा मामला, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। इन दिनों अभय चौटाला परिवर्तन पदयात्रा के तहत हरियाणा की सभी 90 विधानसभाओं के दौरे पर हैं। वो हर विधानसभा में जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी बीच मंगलवार रात को पदयात्रा जब गांव सिंधवी खेड़ा के पास पहुंची तो अभय सिंह चौटाला के फोन नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के कोर्ट से कई बार कॉल आई। कॉल ना उठाने पर आरोपी ने वॉइस मैसेज भेजकर अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी दी और पदयात्रा को रोकने को धमकी दी। इसके बाद अभय चौटाला के निजी सचिव रमेश कोदारा ने इस घटना की तहरीर जींद पुलिस को दी। सदर थाना के प्रभारी संजय ने बताया कि रमेश कोदारा की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धमकी देने का केस दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ धारा 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में अन्य जांच एजेंसियों को भी शामिल किया है। डीएसपी रवि खुंडिया ने बताया कि अभय चौटाला को धमकी देने वाले शख्स ने चुप रहने के लिए बोला था। आरोपी बार बार अभय चौटाला से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभय चौटाला ने कॉल नहीं उठाई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और खबर फास्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।